अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। ये थ्री पीस सूट्स हैं, चलिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये पहला सूट, ये बॉर्डर है इसका जो साइड पर दिया होता है, बीच में इसकी एम्ब्रॉयडरी है। ये बिल्कुल ही सिंपल सा सूट था और ये इसकी बैक है, बैक ये फूलदार है। इसके भी साइड पर इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है। ये इसकी शलवार है रेड कलर की और ये इसके साथ दुपट्टा। ये दूसरा सूट, इसमें कोई गला नहीं बना हुआ ना बॉर्डर दिया हुआ इन्होंने, ये जस्ट सिंपल फूलदार सेल्फ प्रिंट कह लें इसको, इस तरह है। और ये इसके बाजू हैं, ये इसकी शलवार स्किन कलर की, साथ में इसका दुपट्टा है, दुपट्टे की पीको है। ये मैं आपको फिर डिटेल में दिखाऊंगी। इसके साथ भी मैंने ये एक गज कपड़ा लिया है इसके फूलों के साथ मैच करके, इसकी मैं फेसिंग करूँगी। ये तीसरा सूट है, ये इसका बॉर्डर है और ये इसका गला, इसके ये बाजू हैं जो साइड पर दिए होते हैं कमीज़ के, और ये दुपट्टा, और ये इसके साथ शलवार है। इसके साथ भी मैंने एक गज़ कपड़ा लिया है अलग से लीलन का, ये तीनों सूट लीलन के हैं विंटर के, इस तरह ये सूट तैयार हुए हैं। चलिए मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने ये लटकन तैयार की है घर में। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने कैसे बनाई। मैं आपको ज़रूर इसका तरीका सिखाऊंगी। ये सारी मैंने इसकी फेसिंग की है और ये इसका गला, यहाँ पे भी लटकन इस शेप में लगा लिया है। सही लटकन मैंने खुद घर में तैयार की है। इस तरह इसका गला लग रहा है वी शेप, इसको ओवरलैप भी कहते हैं। ये लटकन मैंने खुद लगाई है इस पर सुई से, बीच में इसके तीन तीन मोती लगा दिए थे तो ये बहुत प्यारी लग रही है। और ये इसके पीछे फेसिंग कर दी उस कपड़े की जो एक गज कपड़ा मैंने अलग से ख़रीदा था, और बाजू में भी इस तरह ही लगाई है। इसके ट्राउज़र इस तरह तैयार किए हैं, दो दो प्लेटें देके ये आठ प्लेट इस तरह डाल दी। तो इसका ट्राउज़र मैंने सिंपली रख किया और इस तरह मैंने इसके ज़िगज़ैग करके इसकी पाइपिंग करवाई है। ये क्रिंकल का दुपट्टा है तो इस पर हल्की पाइपिंग करवाई। ओवरऑल ये इस तरह लग रहा है सूट। ये दूसरा सूट जिसमें मैंने आपको बताया था कि गला नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं बना हुआ, तो इस पर मैंने इस तरह डिज़ाइनिंग करवा ली ताकि इसका गला जो है वो भरा भरा लगे। ये डबल पाइपिंग है और नीचे इसके बटन लगा दिए, मैं वो क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें, और इस पर मैंने इसके डबल सिलाई भी करवाई है, ये देखें डबल पाइपिंग सिलाई भी ऊपर करवाई है ताकि इसमें पायदारी आए।
ये लीलन के कपड़े हैं, तो लीलन के कपड़ों का निकलने का डर होता है। इस टाइम मैंने इसकी फेसिंग करवाई, तो मैंने एक गज कपड़ा इसका अलग से लिया था। बॉर्डर पे भी और इसके बाजू में इसका कटवर्क करवाया है, और इसके बाजू पे भी इस तरह ही डबल पाइपिंग करवाई, बटन लगाया। ये पाइपिंग मैं नीचे तक नहीं लेकर आई क्योंकि ये फूल अच्छे लग रहे थे, तो एक वरना कट जाने थे। ये इस तरह लग रहा है बाजू। इसके बाद ट्राउज़र पर भी इस तरह ही कट वर्क करवाया है, और ऊपर 3 प्लेटें दी हैं। ये बहुत ही ट्रेंडी कट वर्क है। इसके दुपट्टे पर इस तरह पिको करवाई है, ये भी ज़िगज़ैग मैनर में ही है। ये बहुत ही खूबसूरत है, इतना दुपट्टे में ज़रा खूबसूरती आ गई है। ओवरऑल सूट ओवरऑल इस तरह मतलब देखने में लग रहा है। चलिए तीसरे सूट की तरफ चलते हैं। ये रहा तीसरा सूट, जिसका बॉर्डर था, और बॉर्डर को मैंने इस तरह सेट किया है क्योंकि अगर मैं इसका बॉर्डर इस तरह लगाती तो वो इस तरह ही आम सा सूट नहीं रहता। ये रहा बॉर्डर, इसका जो रेड रेड वाला पार्ट है फूलों वाला जिसके डॉटर्स के साथ, वो मैंने अलग किया, और बाकी भी लाइंस जो हैं उनको भी मैंने अलग से यूज़ किया है बाजू पर। ये देखें, इसे गले पे मैंने कट किया और ये डोरी लगवाई है। ये डोरी मैंने अंदर प्रोई है। ये देखें, ऊपर लगाएं तो अक्सर डोरी टूट जाती है या निकल आती है, ये इस तरह निकलेगी नहीं। ये देखें बॉर्डर जो मैं आपको बता रही थी कि रेड वाला जो डॉटर्स वाला पार्ट है वो मैंने इस तरह साइडों पर लगवाया है दोनों तरफ, और ये इसके नीचे इस तरह ही ये लटकन लगवा दी है एक एक, एक मोती देकर। और इसके बाजू इस तरह तैयार किए हैं, वो जो बॉर्डर का जो लाइंस वाला पार्ट था वो मैंने इस तरह बाजू पर यूज़ किया है, और बीच में एक एक मोती दे दिया है। ये देखें, ये इस तरह देखने में लग रहा है। उस बॉर्डर को मैंने इस तरह यूज़ किया, तो इस तरह हम थोड़े से कट ट्रिक यूज़ कर लें तो चीज़ ज़रा डिफरेंट लगने लग जाती है, ज़रा स्टाइलिश सा हो गया सूट। बिल्कुल आम सा था पहले, अगर मैं इस तरह ही बॉर्डर लगवा लेती तो ये आम सा ही लगता, लेकिन अब ये बिल्कुल ही ट्रेंडी और ख़ूबसूरत लग रहा है। ये ट्राउज़र, इस पर मैंने इस तरह डब्बियाँ लगवाई हैं। ये बैक वाला पार्ट, एक बार बैक वाला पार्ट है और एक पार्ट इसका जो बॉर्डर में से है, जो तीसरा पार्ट बच गया था बॉर्डर का वो मैंने इसका यहाँ पर ट्राउज़र में यूज़ कर लिया। ये देखें, ये वाला पार्ट बॉर्डर में से था और ये रेड वाला पार्ट इसके बैक वाले कपड़े में से था। ऐसा करके इसको डब्बियाँ सी बनवा ली। और इसके दुपट्टे पर इस तरह ये मटर पीको है, बहुत ही खूबसूरत लगती है की हुई, ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह मोती लगाए हुए हैं। ओवरऑल इस तरह लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन